आइए आज बहुत इजी वन पॉट केक बनाते हैं। सिर्फ मिक्स करिए और आपका केक तैयार है, और वो भी बन रहा है बिना किसी गेहूं के आटे के या बिना किसी मैदे के। हम लोग बना रहे हैं सूजी से। आपको बहुत फाइन सूजी लेना है। अगर आपकी सूजी मोटी वाली है, इसको मिक्सर में लीजिए और पीस लीजिए, तो आपको फाइन सूजी मिल जाएगी। उसके साथ मुझे चाहिए पीसी शक्कर, दही, दही आपका, ये सब चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पे चाहिए। तो दही, घी या तेल, अगर आप घी डालोगे तो भी चलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तेल भी चलेगा। मिल्क पाउडर, दूध, बेकिंग पाउडर, सोडा और इलायची पाउडर, ठीक है। पर बहुत सिंपल है, विद इन से फटाफट बन जाता है, और आप आराम से इसको, बोलते ना, गर्म भी खा सकते हो, ठंडा करके भी खा सकते हो। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको हमारे मिक्सर में, हम हमारे मिक्सर में लेंगे दही, ठीक है। हम लेंगे हमारी सूजी, मेजरमेंट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, शक्कर, घी या तेल जो भी आप ले रहे हो, आप बटर भी ले सकते हो, पर इसमें घी का टेस्ट मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छा आता है। सो हमने ऐड किया है तेल और मिल्क। देखिए दूध का प्रोपोर्शन है ना, ये हमेशा क्या बोलते हैं ना, डिपेंड करेगा ऑन सूजी। तो कभी आपको थोड़ा सा मिल्क ज़्यादा लग सकता है प्रोपोर्शन में जो मैंने दिया है, और कभी कम। आइए इसको एक मिक्सर में पीस लेते हैं एक बार। अब ऐड करेंगे इसमें मिल्क पाउडर, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए ना, हमको थिक चाहिए बैटर और ना बहुत पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, मीडियम थिक, राइट। अब मैं इसको ढक के ऐसे ही रहने दूंगी एक 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। आइए 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए पहले अपन ने रखा था तब कितना थिक था, कितना पतला था, अब थिक हो गया है, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप इसमें हल्का सा दूध मिक्स कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, सोडा, इलायची पाउडर, आप कोई इसेंस चाहिए तो वो भी डाल सकते हो, और जस्ट 1 टेबलस्पून मिल्क, ताकि बेकिंग पाउडर भी एक्टिवेट हो जाएगा और बैटर भी पतला हो जाएगा थोड़ा। आइए इसको टिन में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सी बैटर डालो गया। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप नट्स डाल सकते हो, मैं भी डाल रही हूँ, सो कुछ नट्स, और हम इसको बेक करेंगे 160 डिग्रीज पे फॉर नियर अबाउट 25 टू 30 मिनट्स।